वेलकम टू ऑल। इस प्रेजेंटेशन में हम एक लिंक्ड आंसर टाइप क्वेश्चन लेके आए हैं। हमने आपको बताया था कि रिसेंट क्वेश्चंस करने के बाद हम पुराने अच्छे क्वेश्चंस कर रहे हैं। पुराने कैसे आते थे, दो प्रकार के एक क्वेश्चन आते थे, एक कॉमन डेटा टाइप और लिंक्ड आंसर टाइप। हमने बताया था कॉमन डेटा में क्या होता है और लिंक्ड आंसर में क्या होता है। कॉमन डेटा एक हम कर चुके हैं, लिंक्ड आंसर में दो क्वेश्चन है आपके पास, तो दूसरा वाला जो क्वेश्चन होगा वो पहले वाले के आंसर के ऊपर डिपेंडेंट होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। कब पूछा गया, 2007 में, दो नंबर के पूछा गया है। तो क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, एक लो कार्बन स्टील बार है जिसका डायमीटर कितना है 147 mm। तो डायमीटर कितना 147 mm, लेंथ है कितनी 630 mm। उसके बाद इसमें टर्निंग की जा रही है अनकोटेड कार्बाइड स्टील इंसर्ट से। टूल को लाइफ ऑब्जर्व की गई है 24 मिनट और 12 मिनट फॉर कटिंग वेलोसिटी। अगर टूल लाइफ है अपनी कितनी T1 कितनी है 24 मिनट और T2 कितनी है 12 मिनट फॉर कटिंग वेलोसिटी V1 इज इक्वल टू 90 मीटर पर मिनट के हिसाब से अगर लें तो इतनी है, और इसके लिए V2 इज इक्वल टू कितना 120 मीटर पर मिनट के हिसाब से लें तो कटिंग वेलोसिटी इतनी है। मतलब देख रहे हैं आप, वेलोसिटी बढ़ गई तो टूल लाइफ कम हो गई, तो अपने को पता ही है। फीड 0.2 mm पर रेवोल्यूशन, डेप्थ ऑफ कट 2 mm। अब लिखा है यूज द अनमशीन डायमीटर टू कैलकुलेट द कटिंग वेलोसिटी। मतलब क्या हुआ इसका, समझिए v इज इक्वल टू अपन लोग लेते हैं कितना पाई डी एन। ये v क्या है कटिंग वेलोसिटी, n क्या है कितने रोटेशन से रोटेट हो रहा है, d क्या लें जैसे ये टर्निंग ऑपरेशन हो रहा है। ध्यान दीजिए ये टर्निंग ऑपरेशन है, टूल क्या कर रहा है, ये टूल है। तो ये वाला क्या है, ये वाला डायमीटर कितना है टूल अपने ऑब्जेक्ट का, ये इनिशियल डायमीटर है, और ये वाला डायमीटर कितना है, ये फाइनल डायमीटर है। तो जब टूल ऑब्जेक्ट से कांटेक्ट में आया होगा यहाँ पे इस पॉइंट पे, तब यहाँ पे भी यही वाला डायमीटर रहा होगा। तो यही बोला है अनमशीन डायमीटर, मतलब ये वाला डायमीटर जो इनिशियल रहा होगा। मशीनिंग के बाद जो डायमीटर है वो अपने को यहाँ पे नहीं लेना है। अनमशीन डायमीटर जो इनिशियल डायमीटर, मतलब जब टूल ऑब्जेक्ट से वर्कपीस से कॉन्टेक्ट में आया, कॉन्टेक्ट में आने समय जिस डायमीटर रहा, कॉन्टेक्ट में जब आया होगा तब बिल्कुल इसी डायमीटर में रहा होगा ना, तो अनमशीन डायमीटर वो है जो इनिशियल डायमीटर अपना है अपना 147। ये मतलब हुआ इसका। अब पूछा क्या गया है कि अगर टूल लाइफ अपनी 20 मिनट है तो कटिंग वेलोसिटी कितनी होगी, पहला क्वेश्चन। और दूसरा क्वेश्चन है अगर ओवर ट्रेवल और अप्रोच हम टूल का निग्लेक्ट कर दें तो टूल लाइफ 20 के लिए मशीनिंग टाइम कितना रहेगा। ये दो चीज पूछी है। तो पहले अपन लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं कितना, कि 20 मिनट की अगर टूल लाइफ है तो कटिंग वेलोसिटी कितनी रहेगी। टूल लाइफ और कटिंग वेलोसिटी को रिलेट करने के लिए अपने पास टेरल्स टूल लाइफ कांस्टेंट इंडेक्स है। इसमें क्या होता है, अपने को अगर 20 मिनट की टूल लाइफ दी है, वेलोसिटी निकालना है, तो यहाँ पे भी अपन को कुछ मिल जाए तो वेलोसिटी निकालने, तो अपने पास पता है V1 T1 की पावर n इज इक्वल टू V2 T2 की पावर n। लेकिन अपने पास ना n है ना ही c है, कांस्टेंट है, तो अपने पास सिर्फ t पता है। 20 मिनट t लाइफ दी है, उसके लिए कटिंग वेलोसिटी चाहिए। लेकिन अपने पास दो कंडीशन और दी है, T1 इतना तो V1 इतना, T2 इतना तो V2 इतना। तो यहाँ पे ये वैल्यूज रख दें, रख देते हैं 90 T1 कितना 24 की पावर n, V2 120 12 की पावर n। सॉल्व कर लें, 24/12 की पावर n हो जाएगा इज इक्वल टू 120/90 हो गया। अब 2 की पावर n इज इक्वल टू 1.33, तो यहां से n को सॉल्व करेंगे, लॉगरिथमिक ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 0.415 अपना मिल गया, क्या n मिल गया। अब सेम टूल है, सेम टूल में अपन ने क्या किया, अब उसने पूछा कि अगर टूल लाइफ 20 हो गई तो कटिंग स्पीड कितनी होगी। तो अपन क्या करें, अगर टूल लाइफ कितनी हो गई, टूल लाइफ T3 मान लेते हैं 20 हो गई 20 मिनट, तो अपनी V3 कितनी V3 हो जाएगी, कितनी V3 के लिए टूल लाइफ अपनी T3 हो जाएगी।
तो ये अपने को निकालना है। तो अपन लोग जैसे वी वन टी वन की पावर एन इक्वल टू वी टू 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 की पावर एन किए थे, तो वैसे यहाँ पे वी थ्री टी थ्री की पावर एन भी तो हो जाएगा। तो अपन लोग किसी दो को इक्वेट कर लेते हैं, वी वन टी वन की पावर एन इक्वल टू वी थ्री टी थ्री की पावर एन कर दें इसको। इसको करने के बाद अपन 90 इंटू 24 की पावर एन, एन दिया है अपने को 0.415 इज इक्वल टू टी थ्री की वी थ्री अपने को निकालना है, और टी थ्री दिया है 20 की पावर 0.415। एक अननोन है तो एक अननोन से अपन लोग बाकी चीजें बाकी आराम से निकाल सकते हैं। तो वी थ्री इज इक्वल टू 90 इंटू 24 अपॉन 20 की पावर 0.415। तो V3 अपना निकल गया कितना, 97 मीटर पर मिनट। ये अपना क्या निकल गया, V3 निकल गया। सो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए कटिंग वेलोसिटी मीटर पर मिनट में पूछा है, आपने भी मीटर पर मिनट में निकाली, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, उसने पूछा है कि अपने को मशीनिंग टाइम निकालना है। मशीनिंग टाइम क्या होता है, Tm इज इक्वल टू इफेक्टिव लेंथ अपॉन एफ इंटू एन। इफेक्टिव लेंथ मतलब ये लेंथ हो गई उसकी, क्या ये वाली तो ऑब्जेक्ट की लेंथ हो गई एल। इफेक्टिव लेंथ मतलब अब टूल आया तो टूल यहीं से तो नहीं आया, टूल यहां से आया होगा यहां से, तो यहां से यहां तक क्या बोलते हैं लेंथ ऑफ अप्रोच। अब टूल यहां पे खत्म हो गया तो बिल्कुल यहीं से तो नहीं हटाया होगा, थोड़ा सा टूल आगे मूव किया होगा बिल्कुल फिनिशिंग के लिए, तो ये क्या बोलते हैं लेंथ ऑफ ओवर ट्रेवल। ये वाला ओवर ट्रेवल और ये वाला लेंथ ऑफ अप्रोच। तो उसने बोला तो इफेक्टिव लेंथ में क्या करते हैं अपन लोग, इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू ये लेंथ तो जोड़ते ही हैं ये वाले लेंथ प्लस ओवर ट्रेवल प्लस अप्रोच, इन दोनों को जोड़ के बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ। इसमें क्या बोला है, इफेक्टिव लेंथ में ओवर ट्रेवल और अप्रोच को निग्लेक्ट कर दो, तो इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा एल। अब बोला है एफ अपने को दिया है कितना 0.2। एन, एन कैसे निकलेगा, एन कैसे निकलेगा, वी इज इक्वल टू कितना होता है पाई डी एन, तो एन यहां से निकाल सकते हैं। लेकिन क्या पूछा है अपने को, वी कौन सा लोगे, इसमें तीन वेलोसिटी दी है, एक 90 मीटर पर मिनट, एक 120 मीटर पर मिनट और एक यहाँ पे 97। अब वी कौन सा लोगे, डी तो उसने बोल दिया अनमशीन डायमीटर इस्तेमाल करना है, अनमशीन मतलब 147 वाला। वी कौन सा लोगे, अब ध्यान दीजिए इसने बोला है वेन टूल लाइफ इज 20 मिनट, अगर टूल लाइफ 20 मिनट है तब का मशीनिंग टाइम निकालना है। टूल लाइफ 20 मिनट है तो वेलोसिटी कितनी है 97, तो 97 वाली वेलोसिटी लेंगे। समझ में आया, यहां से ऐसे क्वेश्चन को माना जाता है। तो वेलोसिटी कितनी लेंगे अपन, 97 मीटर पर मिनट, यहां से पाई डी कितना ले लें, डी कितना ले लें, डी ले लो 0.147 क्योंकि ये मीटर में है, तो 0.147 इंटू एन, यहां से अपना क्या एन निकल के आ जाएगा। एन यहां से आप कैलकुलेट कर लीजिए, यहां से एन आपको नोन हो जाएगा, आप कैलकुलेट करते रहिएगा। उसके बाद अपन लोग डायरेक्ट मशीनिंग टाइम पे चलते हैं। मशीनिंग टाइम कितना है, टी एम इज इक्वल टू एल अपॉन एफ एन, एल ई से एल हो गया, तो एल कितना दिया है अपने को 630। एल कितना है 630 एम एम। एफ कितना है 0.2 mm पर रिवॉल्यूशन। अब यहां से n जो निकल के आएगा, आप चाहो तो क्या कर लो, n यहां से निकाल लो, या चाहे तो n की वैल्यू यहां पर रख दो। n की वैल्यू यहां से रखोगे तो कितना हो जाएगा, n इज इक्वल टू 97 अपॉन पाई इंटू 0.147। इतना हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो 97 अपॉन पाई इंटू 0.147, इसको सॉल्व करोगे। अब देखिए ये मैंने एमएम में रखा, ये एमएम में रखा, तो ये एमएम कट जाएगा, ये वाला मैंने मीटर में था तो ये भी मीटर में रखा, तो ये मीटर मीटर कट जाएगा, तो अपने आंसर किस में आ जाएगा, सिर्फ मिनट में, जो ऊपर आपने मिनट जाएगा। इसको सॉल्व करने पे अपने को मशीनिंग टाइम मिलेगा कितना, 14.99 मिनट, और कह सकते हैं 15 मिनट अपने को मशीनिंग टाइम मिल गया। तो कौन सा आंसर सही है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखिए लिंक्ड आंसर था, लिंक्ड आंसर मतलब पहले क्वेश्चन में जो आपने आंसर निकाला, पहले क्वेश्चन में आंसर क्या निकाला 97 मीटर पर मिनट, वो आपने दूसरे क्वेश्चन में इस्तेमाल करना पड़ा तब आपको दूसरा क्वेश्चन मिला, यही होता है लिंक्ड आंसर, मतलब पहला क्वेश्चन सॉल्व किए बिना आप दूसरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते।
इसमें जनरली दूसरा क्वेश्चन सिंपल रहता है, पहला क्वेश्चन टफ रहता है, दूसरा क्वेश्चन लेकिन तब तक सॉल्व नहीं होगा तब तक पहला नहीं होगा, ये इनकी ट्रिक रहती है चालाकी। तो पहला सॉल्व करो तभी दूसरा कर पाओगे। लिंक कॉमन डेटा में क्या रहता है, डेटा कॉमन है, कोई भी सॉल्व हो सकता है, इससे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते। लेकिन इसमें सेकंड क्वेश्चन इज डिपेंडेंट ऑन द फर्स्ट क्वेश्चन। आई होप इस तरह का कॉन्सेप्ट और इस तरह का क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर पेइंग योर अटेंशन।